गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं माय लाइफ माय वे। सो आज बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। रीज़न बता देती हूँ मैं पहले, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, रीज़न बाद में बताऊँगी। कुछ वीडियो में शायद मैंने रीज़न नहीं बताती हूँ, मीन्स वो रह जाता है, स्किप हो जाता है। तो रीज़न ये था कि बहुत ही जल्दी मैं सारे फेस्टिवल्स गए और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था रुद्र फेस्टिवल्स को हैंडल करके, कैमरा हैंडल करना। तो इसलिए मेरे से कुछ दिनों वीडियोस नहीं हो पाए, जैसे जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, और मैं मेरे मॉम के घर पे भी गई थी, मायके गई थी। तो उसी दौरान मैंने सब शूट्स एंड ऑल किए हैं, छोटे मोटे शूट्स किए हैं, बट फिर उसे एडिटिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिला। एडिटिंग कुछ किए हैं तो पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला, और पोस्ट जैसी करने गई थी मैं तो मेरी मेमोरी जो थी फुल हो चुकी थी। तो ये छोटे मोटे कुछ रीजंस थे जो मेरे इन ब्लॉग्स के बीच में आ रहे थे, बट राइट नाउ अ लिटिल बिट आई हैव सॉल्व देम। तो सॉल्व किया है मैंने उनसे, कुछ हद तक सॉल्व किया है, तो नॉट एन इशू, वो तो होते रहते। अभी मैं सोच रही हूँ प्रॉपरली मैं जो है प्रिपेयर हो जाऊँ इन सब के लिए, फिर उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। बट मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया है, तो इसे आगे तक लेके जाना है। तो चलिए, मैं आज आपके साथ कोई भी व्लॉग्स नहीं लेके आई हूँ, जस्ट मैंने जो पहले के जो शूट्स किए हैं अभी मैं इतने लेट तो उन्हें एज अ व्लॉग नहीं पोस्ट कर सकती, तो उनके कुछ छोटे छोटे पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे जन्माष्टमी, मैंने जन्माष्टमी में थोड़े से शूट किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने क्या क्या शूट किया है। चलिए जन्माष्टमी देख लेते हैं। She got a smile that makes your worst day feel like it's your birthday. She's got a laugh like confetti. Would change her name if she let me. She's got a way of changing the game. The way that you play is never the same. She's the kind that makes you ride around, windows down. A smile that makes your worst day feel like it's your birthday. She's got a laugh like confetti. Would change her name if she let me. She's got a... So main yahan pe chai leke aa chuki hu. Ye jo chote chote size ke butter hote hain, inhein butter bola jata hai. Ye bahut hi tasty lagta hai, jeera butter hota hai. और ये ऑसम लगता है चाय के साथ। मुझे ये दे दो और वाइट चाय दे दो, मीन्स दूध वाली मिल्क टी दे दो। वाह, फिर तो बिस्किट्स की भी ज़रूरत नहीं। तो कैसा लगा जन्माष्टमी का वीडियो? अभी छोटी मोटी सेलिब्रेशंस थी और ज़रूरी था यार, ये 4-5 मंथ्स जिस दौर से गुजरे हैं उस दौर के बाद एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन ज़रूरी था, जो जन्माष्टमी से हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम टू गो टू माय चाइल्डहुड प्लेस, मेरी मम्मी के घर पे। तो मैं मम्मी के घर पे गई थी कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। तो चलिए उसका छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। Last day alive, never, it's now or never.
मॉम के घर पे भी मज़ा आया। मॉम के घर से आने के बाद ही था गणेश चतुर्थी, तो वो गणेश चतुर्थी की तैयारी की। सो इसी दौरान एक्चुअली लॉकडाउन भी यहाँ पे उठ चुका था, जो फेज़ वन P1 P2 का जो सिलसिला चल रहा था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो जो हमारा होटल बिजनेस था, जो शॉप था, वो अब डेली बेसिस पे खुलने लगा था। तो उसी दौरान मीन्स गणेश चतुर्थी करना मेरे लिए एक्चुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि हेल्पिंग हैंड जो रहता है वो नहीं था मेरे पास। तो फिर भी अच्छे से हुआ। गणपति पप्पा है ना, वो सब करने के लिए उन्होंने मीन्स उनको आना ही था। उन्होंने अपने दरवाजे खुद तय कर लिए, उन्होंने खुद रास्ता बना लिया। तो बॉम्बे में जैसे भी बोलो गणेश चतुर्थी तो हो गया, उतनी धूमधाम से नहीं हुआ, बट हमने जैसे सोचा था वैसे भी नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में हमने सोचा था कुछ भी मीन्स एक्चुअली परमिशन ही नहीं मिलेगा, इस बार होगा ही नहीं, बट उम्मीद से ज़्यादा हुआ। तो चलो जैसे हुआ देख लेते एक छोटी सी झलक गणेश चतुर्थी का। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल एंड गुड इवनिंग। प्लान हुआ नहीं व्लॉगिंग करने का, सो आज कर रही हूँ फाइनली। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। तो कल का दिन बहुत ही अच्छा गया, आज भी बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑफकोर्स बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यार फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं। हमने जस्ट प्लान किया था, प्लान नहीं मैं सोचा था कि दैट गणेश चतुर्थी इस बार भी शायद हमें नहीं मिलेगा टाइम, पर यहाँ मिल गया। ओ मैं आपसे बात कर रही हूँ, रुद्र को लग रहा है मैं उससे बात कर रही हूँ। गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, मेरे मायके वाला व्लॉग, एक्चुअली व्लॉग मैंने सबका बनाया था, पर वो पोस्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया लेट हो गया, अभी नहीं पोस्ट कर सकती, इसलिए मैंने उसके छोटे छोटे जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे मैंने कैप्चर करके एक ही वीडियो में डालने की कोशिश की है। आई होप सो आपको ये पसंद आए। और जो व्लॉगिंग करते हैं इन सब चीज़ों को लेके, आई थिंक दिस इज़ नॉट ईजियर देन दैट। मैं सोच रही थी यार इजी है, कैमरा पकड़ना है, बात करना है, हो जाएगा, पर नहीं,
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काम इजी नहीं है. अगर आप समझो दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ माई जॉब, तो एवरी थिंग इज़ हार्डर देन दैट. ओके, जो हम देखते हैं ना कि ये काम बहुत ही आसान है, बोलना बहुत ही आसान है बट करना बहुत ही मुश्किल. क्योंकि मैं जस्ट व्लॉगिंग 1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने जिन माइंड में थिंक किया कि चलो व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि आई लव कैमरा, आई लव कैमरा. सो आई थिंक एंड ऑफ द डे मेरे पास एक राइट चॉइस है कि मुझे क्या करना है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर. राइट नाउ आई एम हैप्पी विद इट. चलिए, तो आपको अगर मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और बताना ज़रूर ये सारे फेस्टिवल आपको वन वीडियो में देख के कैसे लगा. इसके बाद मैं 100% कोशिश करूँगी, क्योंकि आपको जो कि आपको रेगुलर व्लॉग्स देने की, बस बोलती हूँ ना, नहीं इस बार ज़रूर कोशिश करूँगी मैं आपको कंटिन्यूस व्लॉग देने की. एवरी डे तो नहीं बोल सकती हूँ बट कंटिन्यू व्लॉगिंग देने की ज़रूर कोशिश करूँगी. तो स्टे ट्यून विथ मी. नथिंग टू से, बाय बाय.